प्रणाम, जय श्री बालाजी सरकार, जय बाबा महाकाल। आज के यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। फोल्डी हेल्थ रिस्ट्रेशन सेंटर में होम्योपैथिक तरीके से हम इस चैनल में होम्योपैथिक तरीके से कैसे आप लोगों की बीमारियों का इलाज किया जाता है इसकी हम जानकारी देते हैं। और प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, बचाव ही रोग से मुक्ति का कहा माना जाता है। इसलिए आज हमारा टॉपिक है प्रोस्टेट ग्लैंड। जो मेल पर्सन में जो प्रोस्टेट ग्लैंड होती है तो उसमें बढ़ जाती है तो बहुत दिक्कतें आ जाती है, प्रोस्टाइटिस हो जाती है। ये एज रिलेटेड जरूर होता है, एज रिलेटेड हो सकता है। 60 साल के ऊपर लोगों में ज्यादा दिक्कतें बढ़ जाती है, 50 साल से दिक्कतें धीरे धीरे स्टार्ट हो जाती है। अल्ट्रासाउंड के माध्यम से और ब्लड इन्वेस्टिगेशन के माध्यम से हम पता कर लेते हैं कि प्रोस्टेट बढ़ गया है, कितना बढ़ गया है, उसका साइज बढ़ता है। पीएसए लेवल कराते हैं, उससे हमारा पता चल जाता है कि प्रोस्टेट लेवल बढ़ गया है तो कितना बढ़ गया, उसके साथ साथ क्या क्या परेशानी होती है, वो हम सब बातें आपको आज हम बताएंगे। 50 साल के ऊपर लगभग 75% पुरुष प्रोस्टेट ग्लैंड से की समस्याओं से पीड़ित रहते हैं। सामान्यतः प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ जाने से बहुत सारी तकलीफें होने लगती हैं। कुछ मामलों में ये कैंसर का भी रूप ले सकती है, ले लेती है। कुछ मामलों में मैं बता रहा हूँ, सभी मामलों में नहीं, ठीक है। इसके लक्षण आपको क्या मिलेंगे? प्रोस्टेट ग्लैंड जब होती है तो उसके लक्षण आपको क्या क्या मिलते हैं? कमजोर यूरिनरी सिस्टम, जो आपका मूत्री तंत्र होता है, यूरिनरी सिस्टम होता है, वो थोड़ा कमजोर हो जाता है। बार बार यूरिनेशन, बार बार आपको पेशाब करना जाना पड़ने की आदत लगती है कि बार बार हमें पेशाब करना है जाना है। मूत्र त्याग यूरिनेशन के लिए सामान्य से अधिक समय लगता है, जितना समय आपको पहले लगता था उससे ज़्यादा समय लगता है। यदि टाइम पे अगर इसका उपचार नहीं किया जाता है तो यूटीआई रिकरेंस इसमें होने लगता है और किडनी फेलियर में मरीज जा सकता है। कभी कभी होता है कि गाढ़े सफ़ेद द्रव का स्राव करती है जो शुक्राणुओं को ले जाने में भी सहायक करती है। 20 वर्ष की आयु में प्रोस्टेट ग्लैंड की वृद्धि रुक जाती है, दोबारा 50 वर्ष की आयु के बाद ये फिर प्रारंभ होने लगती है। ये होती क्या है? ये अखरोट के आकार की ग्रंथियों का गुच्छा होता है जो मूत्र मार्ग को चारों ओर से घेरे रहता है। पुरुषों में सबसे दूसरा सामान्य कैंसर जो होता है वो प्रोस्टेट ग्लैंड का होता है। तो आज हम आप लोगों को बताएंगे कि कैसे जो है प्रोस्टेट ग्लैंड को हम होम्योपैथिक दवाइयों से ठीक कर सकते हैं या कैसे उनका हम थोड़ा सा उपचार कर सकते हैं। प्रोस्टेट ग्लैंड जब बढ़ जाती है तो हम कैसे कैसे उनकी प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। तो होम्योपैथिक में सबसे अच्छी एक दवा आती है मेडोराइनम। देख लीजिए, आप लोगों को मैं पिक्चर लगा देता हूँ। मेडोराइनम 200, ये 200 ये एक डोज लेनी है, एक एक दिन छोड़कर अल्टरनेट डे लेनी है आपको। मेडोराइनम की 200 डोज अल्टरनेट डे आपको एक एक दिन लेनी है, दिन में सुबह एक बार लेना है, केवल एक एक दिन छोड़ के लेना है। दूसरी दवा आती है कैंथ्रिस 200 आती है, मैं दिखा रहा हूँ आपको। कैंथ्रिस 200 आती है, ये सुबह लेना है और शाम को लेना है, दिन में दो बार आपको लेना है ये दवा, सुबह और शाम लेना है। इसके साथ में एक दवा आती है सबल सालरूटा मदर टिंचर है, ये सबल सालरूटा आती है, मदर टिंचर है ये। 10 से 15 बूंद सुबह और शाम एक कप पानी में आपको लेना है। अगर ये तीनों दवाइयाँ लगातार आप 2 से 3 महीने तक लेते हैं तो आपको प्रोस्टेट ग्लैंड की वजह से जो परेशानी हो रही है उसमें काफ़ी हद तक आपको आराम मिल जाता है। अब कुछ चीज़ें हम बताते हैं आपको प्रोस्टेट ग्लैंड से रिलेटेड, जिनको सुन करके आप बहुत आश्चर्य हो जाएगा कि टमाटर खाने से प्रोस्टेट ग्लैंड का कैंसर कम हो जाता है, कम होने का खतरा रहता है। इसमें विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी के अतिरिक्त आयरन और पोटेशियम भी पाया जाता है और टमाटर में पाया जाता है। लाल टमाटर में लाइकोपिन नामक एक एलिमेंट होता है जो कई प्रकार के प्रोस्टेट ग्लैंड को कैंसर होने से सुरक्षा प्रदान करता है। लाइकोपिन तरबूज व पपीते में भी बहुत ज़्यादा पाया जाता है। तो ऐसे जिनको प्रोस्टेट ग्लैंड की प्रॉब्लम होती है लोग टमाटर और तरबूज और पपीते का सेवन कर सकते हैं। पानी या भोजन में एल्युमिनियम का अत्यधिक प्रयोग जो होता है वो प्रोस्टेट कैंसर के कारण माना जाता है, प्रोस्टेट कैंसर काज कर सकता है। पानी में भी और भोजन में भी एल्युमिनियम, अब भोजन में एल्युमिनियम कैसे जाता है? एल्युमिनियम के बर्तनों में खाना बनाने से
कहीं ना कहीं निमोनिया हमारी बॉडी में चला जाता है जो कि कार्सिनोजन की तरह कार्य करता है। प्रोस्टेट ग्लैंड जो होती है नट के आकार की होती है, छोटी सी ग्लैंड होती है जो मूत्राशय के ठीक पास नीचे स्थित होती है या उस द्रव्य का स्राव करती है जो इजेकुलेशन के समय स्पर्म का ट्रांसमिशन करते हैं। फीमेल्स में प्रोस्टेट ग्लैंड नहीं पाई जाती, ये सिर्फ मेल में पाई जाती है। सभी रोग हमेशा प्रोस्टेट ग्लैंड से संबंधित होते हैं, जितने भी रोग होते हैं बेसिकली प्रोस्टेट ग्लैंड से संबंधित नहीं होते हैं। उपचार लेने से पहले आप यूट्रोलॉजिस्ट अर्थात वह व्यक्ति जो स्त्री व पुरुष दोनों के मूत्रमार्ग और पुरुषों के जननांग पथ के संबंध में विशेषज्ञ रखता है उनसे परामर्श ले सकते हैं, यूरोलॉजिस्ट से। पुरुष कैंसर के रोगियों को उनके अपने कैंसर से निर्मित वैक्सीन के प्रयोग से प्रभावकारी उपचार भी होता है, ये यूएसए की गाइडलाइन में आया है। अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन के जनरल नंबर 2000 में डॉक्टर जेनेफ स्टेटफोर्ड रिसर्च द्वारा तुलनात्मक अध्ययन के अनुसार ज्ञात होता है कि लगभग 66% पुरुष जिसका कैंसर ग्रस्त प्रोस्टेट ग्लैंड हटा दी जाती है वो इम्पोर्टेंसी हो जाते हैं और 8% से अधिक यूटीआई मूत्राशय जो है नियंत्रण के अभाव से ग्रस्त हो जाते हैं। कैंसर ग्रस्त प्रोस्टेट कोशल क्रिया द्वारा हटाने के दौरान दो तंत्रिकाओं जो इम्पोर्टेंसी ला सकती है उसके लिए ये क्षतिग्रस्त हो जाने कारण रोगी इम्पोर्टेंसी हो जाती है, वहाँ नर्व जाती है वहाँ पर इसलिए।